Hello guys, welcome to our YouTube channel Evoke, and in today's video you're gonna see the gameplay with M416+6SS4 without doing any further delay. Let's start the video. तो गाइस गेम स्टार्ट होते ही मेरे टीममेट वेनम ने बोला कि भाई मेरे को चाहिए आपके कप। मैंने बोला भाई ले लो पिक। अब बारी थी लैंडिंग। मैंने बोला भाई चलते हैं पिकाडो। इतने में मेरे एक टीममेट ने कहा नहीं भाई सेफ है। हमने ले लिया अपनी जो लैंडिंग थी वो एल अजहर, और वहाँ लैंड करके हमने की थोड़ी लूटिंग, और लूटिंग के बाद मेरे पास जो गन थी वो थी M416 with 6SS scope के साथ। तो गाइज इतने में मुझे एक मिला एक बॉट, बॉट की जस्ट फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि चलो किल को थोड़ा बढ़ाया जाए, जियो से वन किया। तो गाइज इतने में पेटी बनाने के बाद मुझे चाहिए थे किल, राइट। तो मैं सोचता हूँ यार मुझे गाड़ी मिल जाए तो उसके बाद चला जाता। इतने में मुझे मिलता है एक बग्गी, और बग्गी पे मैं आराम से बैठ जाता हूँ। तो यार कसन होनी चाहिए। तो बग्गी में बैठ करके मैं सर्च फॉर व्हीकल्स, यार वो प्लेयर एड्रेस ले लेता हूँ अपने टीममेट के साथ, जान के खेल करेंगे, मजे करेंगे गेम में। मतलब लिटरली मजे होंगे यार, मजे के बिना कोई गेम खेलो यार कंटिन्यू करो मज़ा सा नहीं। तो मैं गाड़ी लेता हूँ आराम से मेरे एकदम, और मैं निकल जाता हूँ थोड़ी देर तक। तो लिटरली जाने से पहले, मतलब जाने के वक्त मुझे पता चलता है कि यार टीममेट ने किसी ने बोला भाई कार। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने गाड़ी बोला कि मुझे लगा ये उन्होंने गाड़ी मिल गया, राइट। तो मैं सोचता हूँ चलो चलते हैं फिर। तो मतलब वापस चलते सर्च फॉर व्हीकल्स, लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो है। इतने में मैंने लिखा वहाँ पर, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया भाई गाड़ी। इतने में मेरे टीममेट ने बोला मुझे पता चल गया पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेट्स गो। तो मैंने बोला कि भाई चलो चलो चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। वहाँ जब मैं पहुँच ही रहा होता हूँ गाइस, कि वहाँ पे हमारे ऊपर टीममेट अपोनेंट टीम का हो जाता है रस, और ये टीम क्या। तो गाइस मैं लगाता हूँ गाड़ी सीधा साइड, लेकिन कवर जरूरी है गाइस, कवर सबसे ज़्यादा जरूरी है गेम सबसे ज़्यादा। तो होता क्या है कुछ ऐसा होता है, आप देखिए फॉर्म अप ऑन मी, आप ही देखिए, आप ही समझिए। और हुआ क्या, देखो गाइस गाइस देखो आप, तो भाई यहाँ पे टीम एक प्लेट के चार वर्सेस चार सिचुएशन में चारों बंदे हो जाते हैं, शरीर हम बना देते हैं उनकी पेटी में, हम लोग के दो बंदे बन जाते हैं क्रिएट। और इससे में एक बॉट आ जाता है, और मैं बन जाता हूँ उसकी एक और पेटी, और हम लोग लास्ट उसमें करते हैं कुछ लूटिंग। और लूटिंग के बाद मतलब बस यार, मतलब लूट करके मुझे चाहिए बंदे। अब तो मतलब अंदर से खलबली मची थी कि यार बंदे मारने, चाहे जैसे हो बंदे मारने मारने मतलब मारने, ठीक है। तो यार मैंने बोला चलो चलते हैं अपने एम की तरफ, पिकाडो की तरफ, ठीक है। तो यार गाइज मैं पिकाडो तुम्हारे भाई को इसलिए ज़्यादा पसंद है कि वहाँ हर टाइप के बंदे आ, हर टाइप के बंदे, चाहे वो कैंपर हो, मतलब यार वहाँ पे चाहे रसर हो, मतलब किसी चीज़ की बात कर लो यार, रैंक की सब की बात कर लो, सर्वाइवर की बात कर लो, वहाँ पे आते ही आते हैं यार। तो हम निकल पड़ते हैं गाड़ी से, और मतलब थोड़ी बम्पी से, बम्पी के बाद जाने के बाद बाई वो पिकाडो, आप पिकाडो में बंदे चले, किल अगर है, किल है अगर गेम, तो आपका गेम बहुत,
आपने कितने बंदों को नॉक किया है, आपने कितने बंदों मतलब कितना डैमेज दिया यार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यार किसी भी पर्टिकुलर गेम में, ठीक है। तो भाई और आपका भाई और एनडीटी का कुछ भाई हम लोग निकल पाते हैं, ठीक है। तो गाड़ो जाते समय यार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा कि इसमें होता क्या। तो यार पिकाडो जाते वक्त मतलब मैं जाहिर होता हूँ, मैं देख रहा हूँ पक्षी चलाना इतना आसान नहीं है एक्चुअली यार, मेरा मान सीरियसली मैं बहुत बार इंजर्ड हो चुका हूँ यार। तो यार मतलब बस मुझे चाहिए थे, ठीक है। तो यार कितने में मुझे दिखता है कि मैं मार करता हूँ पिकाडो की तरफ, जैसे ही मैं मार करता हूँ मुझे दिख जाता है यार एयर ड्रॉप, ठीक है। तो भाई किल तो चाहिए, अब किल चाहिए, किल कैसे मिलेगी, आप तो यार बंदे के पास जा करके, बंदे तो आएंगे नहीं, बंदे के साथ तो पेटी बना के चले गए दो बंदे हमारे और चार बंदे। तो यार पेट तो बन गया चलो ठीक है अलग बात है, लेकिन यार किल तो किल कैसे मिलेगा बंदे के पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट देखा एक एयरड्रॉप, ठीक है। तो मैंने सोचा यार पिकाडो अब चलते हैं, ठीक है। अब यार अब बस एयर ड्रॉप लूटेंगे, बंदे तो होंगे, बंदे आएंगे, बंदे आराम से मारेंगे, आराम से खून बढ़ेगा, आराम से एनिमीज अहेड जिंदगी, ठीक है यार। अब एक और चीज़ बता दूँ, एयर ड्रॉप के गन्स में गन्स के लिए जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाने वाले जिम्मेदारी निभा कौन सकता है यार, मैं अभी नाम नहीं ले रहा लेकिन बता रहा है कि जिम्मेदारी निभाने वाले एक्चुअली कोई ना कोई बंदे चाहिए। तो मैं निकल पाता हूँ, मतलब यार नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं, अगर आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं अगर बकरी के साथ, तो बकरी आप सीरियसली इंजर्ड कर देगी, और कोई बंदे बाकी से सीरियसली भी कर तो आराम से जा रहे थे जब वो लेट हो चुके, तो मुझे पता था कि मैं लेट हो चुका हूँ, ठीक है। फिर भी जैसे तैसे करते हुए आप देख रहे हो बकरी चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं चला रहा हूँ, इंडिया में ऐसा ऐसा रोड है ही नहीं जहाँ पर आप स्पीड गाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं जैसे तैसे हम लोग वहाँ नहीं बना। तो यार यहाँ पहुँचने में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जैसे होता क्या है यहाँ पे, वहाँ पहुँचने से पहले मतलब मेरे टीम में तो यार अगर वहाँ पहुँच गया तो उससे पहले मतलब टीममेट ने बोला यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो जस्ट हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले थे, ठीक है। हमारी गाड़ी लगभग पहुँच चुकी थी, तो रमेश भाई ने बोला कि भाई बनने हैं, एनिमीज अहेड बन लो रेडी हो जाओ। मैंने उनको उतारा और मैंने एंगल चेंज किया, ठीक है यार। गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंगल, मैं बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन बस आप इस चीज़ को आप देखें, ठीक है। होता क्या है, मुझे लिटरली नहीं मालूम था कि यहाँ पे बंदे हैं कहाँ, रमेश भाई ने देख लिया होगा, अलग बात है लिटरली मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि बंदे एनिमीज अहेड। तो भाई ने मार किया कि हाँ बंदे, एक बंदा भाग रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये था कि एक बंदा वहाँ पे पता नहीं यार 3 लेवल का इसने चेस्ट गार्ड पहना हुआ था, मतलब ना किल तो मुझे चाहिए भाई, चाहिए मतलब चाहिए बताते हुए कि यार उसके और टीममेट हो सकते हैं। मैंने उसको पूरा फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बाई मिस्टेकली वो हो नहीं पाया, राइट। तो मैं आया कवर में, राइट। कवर में आने के बाद मैंने उसको किया पूरा फिनिश, ठीक है। इतने में मेरे एक टीममेट ने बोला, मतलब सारे बंदे उसके निकल चुके हैं दिख में, मैंने बोला अगर निकल चुके हैं तो लूटो यार, गन तो चाहिए यार, गन मतलब चाहिए मुझे, अगर मतलब यार एयर ड्रॉप लूटो गन नहीं लो यार तो मतलब क्या ही बात है यार। तो मैंने उठाया M249, ठीक है। मैं हो गया गोली सूट पहन के जिम्मेदारी को तैयार, यार एक जिम्मेदारी है यार, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ठीक है। इतने में मतलब यार मतलब M249 लेकर के डायरेक्ट मैं जा रहा था, ठीक है। तो मतलब मैं तो मतलब बंदे यार काफ़ी चलाक होते हैं, बंदे को चाहिए स्पॉट, मतलब स्पॉट करने के बाद। तो आप देखो, आप इस चीज़ को देखो, ठीक है। लाइट आई में निकल रहा हूँ, बंदे ने टीवी पी लिया और मुझे फिनिश करने की मतलब ज़ोरदार कोशिश की, ठीक है। लेकिन यार मतलब कोशिश किया और किल ना मिले, मतलब यार आपकी पेटी बनने वाली है, सिंपल सी बात है, किसी ने किसी की तो बनने वाली है। बंदे को देखो, दिमाग देखो बंदे का, तुरंत एंगल तो ये रहा TPP ले रहा था, ठीक है। तब भाई की बन गई पेटी, मैंने निकाला फेवरेट कंपोजिशन M416 स्कोप के साथ और बना डाली उसकी एक पेटी। गाइज आज इस वीडियो के बनाने का बस यही वो आने वाला पल था, आइए देखते हैं।
लिटरली मुझे मतलब आपको समझ आएगा कि मैंने इस वीडियो को बनाया क्यों, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बस भाई मैं यहाँ पे जा रहा था कि यार मतलब थोड़ा सा कर लेता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेता हूँ लास्ट जोन के लिए, राइट। सेकेंड लास्ट जोन चलने ही वाला था, थर्ड लास्ट जोन में हम लोग एटलीस्ट पहुँच चुके थे, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे जस्ट एडी किट का कुछ मतलब मार्किंग कर ही रहा था कि मैंने तुरंत देखा कि यार आ रही है पूरी की पूरी स्क्वाड आ रही है। सिचुएशन था पूरा लाइट अप, कंपोजिशन थे टू वर्सेस वन, कभी रस होगा, हिट पे दिया मैंने फायर, बंदा हो गया। गोली चली, मैं सीधा सीधा कवर में आया था। यार गाइस कवर सबसे ज्यादा जरूरी है, लिटरली बता रहा हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज फायर विद कवर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड फायर विद डिफरेंट एंगल, यार एंगल चेंज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। थर्ड रस करने की टाइम, यार ये तीनों चीज अगर आपके पास है आप किसी भी गेम को जीतने के लिए कैपेबल हो, बस स्किल की वहाँ जरूरत होगी। और स्किल आपके पास भरा हुआ है यार, आपके पास ही है वो स्किल, आपको बस समझना है कि वो स्किल है कहाँ है एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस, हमारे बीच फाइटिंग चल रही थी, उधर से ही फाइटिंग हो रहा था। होता क्या है यार, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि हमारे एक एमबीडी भाई को बॉडी शॉट पड़ता है, ठीक है। बॉडी शॉट पड़ने के दे रहा हूँ क्योंकि यार मुझे बंदे दो नॉक करने थे, दो बंदे नॉक करने के बाद ही एटलीस्ट हम लोग कर पाएंगे यार उन पे रस कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैं दो चीज़ें और आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मैं मिस कर रहा था यार। पहली चीज़ मैं जो मिस कर रहा था वो स्नाइपर, स्नाइपर अगर रहता हो तो मैं यहाँ पे एक शॉट में एक किक कर पाता इजली। लेकिन और जो मेरे पास जो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ मिस कर रहा था वो चीज़ें थी प्रोन एंड क्रॉच की। लिटरली यार गाइज मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं यहाँ पे अगर प्रोन होऊंगा अगर तो मेरी बुलेट जाएगी ही नहीं जाएगी, ठीक है, मतलब नहीं ही जाएगी, एटलीस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। अब यार मतलब बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, अगर मैं फायर दे रहा हूँ बंदे नॉक हो रहे हैं रिवाइव हो रहे हैं तो यार मतलब बुरा तो लगता है अंदर से यार, यार मैं मार रहा हूँ बंदे नॉक हो रहे हैं, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार एटलीस्ट किल चाहिए यार, मतलब भाई को किल चाहिए, किल पसंद है यार किसी को भी। आप भी अगर गेम खेल रहे हो यार, अगर आप अगर किल नहीं कर रहे हो नॉक करके बैठ रहे हो तो आपको खराब लगता है यार कि मैंने इतना नॉक किया लेकिन यार किल नहीं आ रहा है, तो किल इम्पोर्टेंट है गाइस। खैर इस मैच के लिए किल इम्पोर्टेंट नहीं था गाइस, इस मैच में कुछ और चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो यार मतलब से मारना बंदे को मतलब मारना था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ से काम नहीं, मतलब उसमें डैमेज हो रहा है लेकिन वो रिवाइव हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास लिटरली उनके पास ही कवर हो चुका था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बोला कि भाई चलो अब मतलब करते हैं, अब मतलब मारते हैं या फिर अब सिचुएशन को लंबा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यार मिस्टेक ये हुई कि ग्लिच हो गई, साउंड ग्लिच होने के कारण मेरी आवाज़ तो जा रही थी लेकिन रमेश भाई की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने यार बोला कि भाई आवाज़ लाओ लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही, लिटरली मुझे इसके कारण मुझे कोई आइडिया ही नहीं मिला कि बंदे हैं तो हैं कहाँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास करने के लिए सिर्फ अभी दो चीज़ें थी, ठीक है। पहली चीज़ गाइज जोन आने में सिर्फ बाकी थे 5 सेकेंड, ठीक है, और 515 मीटर उससे कम समय बाकी था और सिचुएशन था हीट अप 2 वर्सेस 4, ठीक है। तो पहली चीज़ ये थी कि यार यहाँ पे स्पीड दिखाकर भाग रहे हैं, ठीक है, जोन में भागो। या फिर दूसरा चीज़ यहाँ कि मारो या मारो, सिंपल सी बात, मारो या मारो, ख़त्म करो, ठीक है। हमने कहा पीठ नहीं दिखाएंगे या फिर नॉक हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला नॉक हो जाता हूँ गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, सैड यार सैड एंडिंग है ये। लेकिन मैं क्या बताऊँ गाइस, यहाँ पे हीट अप सिचुएशन थे, सेकंड लास्ट जोन में थर्ड लास्ट जोन कन्वर्ट होने वाला था, फॉर्म अप ऑन मी, सिर्फ दो चीज़ें थी जो करने के लिए, ठीक है। तो गाइस मतलब मैं यहाँ से बस आपसे बस इतना ही चाहूँगा यार कि मतलब सिचुएशन हीट अप है, आप भी देख रहे हो यार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, हमारे पास कोई भी गाड़ी मतलब गाड़ी थी लेकिन बहुत दूर थी, वहाँ जाते जाते ही वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब यार नहीं हो सकता था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, ठीक है। मैंने ट्राई करा, मैंने बोला
यार मतलब कुछ हो सकता है यार, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता था लिटरली गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था कि इस मैच में, मतलब मन था कि मैं यार मतलब अच्छा से और खेलूँ, लाल जोधा को चिकन डिनर दिखाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार नहीं दिखा पाया मैं यार। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ गाइस, लेकिन नेक्स्ट मैच गाइस सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए। ठीक है गाइस, तो यही था गाइस एस की गेम प्ले थी ये, तो बस आपको कुछ दिखाना चाहता था। अगर गाइज अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना सिचुएशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।